मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को शहर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एकता तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने गांव की माटी, देवी देवताओं और ठाकुर देव की पूजा की। उन्होंने धान की कोठी से बीज लाकर पूजा की और बीज बुवाई संस्कार के तहत लौकी, सेम, तोरई के बीज भी बोए। इसके बाद सीएम बघेल ने गौ माता को चारा खिलाया, साथ ही अच्छी फसल और राज्यवासियों के घर धन धान्य से भरे रहने के लिए धरती माता से कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। बातचीत में सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए खुशहाली की कामना की। आज किसान अपने खेतों में जाकर बीज डालते हैं और अच्छी फसल के लिए पूजा अर्चना करते हैं। आज परशुराम जयंती भी है। भगवान परशुराम के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान परशुराम ने अक्षय पात्र दिया। इस मौसम में आम, इमली, तरबूज, खरबूज के बीज को इकट्ठा करके रखा। दो पात्र रहते हैं, एक दूसरे को देते हैं और एक स्वयं खेतों में खाली जगह में चढ़ा देते हैं, ताकि उसी से पेड़ और आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले। बता दें कि अक्ति त्योहार के साथ ही खेतों में फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। विधानसभा चुनाव में सीएम का छत्तीसगढ़िया अंदाज विपक्ष के लिए चुनौती बनेगा। इस सवाल पर सीएम ने कहा कि विपक्ष ने कभी किसानों के लिए काम नहीं किया, इसलिए चुनौती है। भाजपा के पास कोई तोड़ नहीं है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.